तो हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम लक्ष्मण, आप देख रहे हो लगदार कौन मन, और हो आपका दिन अच्छा जा रहा हो। तो अभी आज मैं फिर से एक और नए रिएक्शन के साथ आया हूँ, और आज ट्रिगर्ड इंसान वापस आ रहे इंस्टाग्राम रील्स लेके। तो भाई उनका इंस्टाग्राम रील्स, पहले से इंस्टाग्राम रील्स या फिर टिकटॉक कह लो, वो यही बोलते हैं कि इंस्टाग्राम रील्स धीरे धीरे टिकटॉक बनती जा रही है। तो मतलब फिर से एक बार रोस्ट किया है ट्रिग्गू भाई ने अपने। चलो जाते सबसे पहले रिएक्शन विंडो पे जाओ। अरे मैंने पेज ही ओपन करके रखा है, उनका चैनल ओपन करके रखा है। चलो कोई नहीं, वीडियो तो अपना ये वाला है, ये पहन लूँगा। चलो खाती फूट गई। एप्पल वॉच चार्ज करने के भी पैसे नहीं बचे हैं साहब, कुछ खाने का दो ना। भिखारी पहनी एप्पल वॉच हुई है, चलती नहीं है ना। पहले तो बहुत पैसे कमाता था। अरे धंधा बंद हो गया जब से टिकटॉक बंद हुआ साहब, क्या करूं सड़क पे आ गया हूं। तो तू क्या टिकटॉक टिकटॉक कर रहा है, इंस्टाग्राम रील्स नहीं देखी क्या तूने? खूबसूरत लड़के पसंद है, इंटेलिजेंट, दोनों में से कोई नहीं, सिर्फ तुम। बात कुछ समझ ये तो बहुत ही फनी जोक मारा, लाफ ट्रैक मिल गया, हंसता था। हंसर है इंस्टाग्राम रील से हमारा घर फिर से चलेगा। अभी ये लो अभी तुम भी मांगो, हम फिर से वीडियो बनाएंगे। तो भाई आजकल जितने इंस्टाग्राम यूट्यूब पे सारे भिखारी घूम रहे क्या? मैं भी बनाता हूँ। सुनो ना, मेरी बहन को वहां पे छेड़ रहे। तो तेरी बहन है तू संभाल ला, सीधू है तेरी मातंगी पे। कहाँ जा रहा है वो? बहन को बचाने के लिए बोल रही है, ये रेस लगाने में लग गया है। मैं पहले पहुंचूंगा। और ये शक्ल क्या बना के जा रहा है? तुम्हें क्या लग रहा है वो उसकी बहन को बचाने जा रहा है? नहीं, उसको पार्टी आ रही है। और भाई ये पूरी वीडियो क्यों नहीं दिखाता? यहाँ पे वीडियो क्यों बंद कर दी? क्योंकि आगे की वीडियो में छपरी पिटा ना, इसको मारा उन सब ने मिलके। गलती मेरी है, मैंने इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तुम्हारी एक्स है ना? आओ। हे कैसे हो? हाय। लिसन शे, मैंने पहले जो भी हो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। मी चीतल, हम शादी कर रहे हैं। हे मई बॉय, बाय द वे कांग्रेट्स। कब हुई शादी? 5 महीने पहले शादी हो गई थी। ओह ओके, टेक केयर। दीदी आपने उन्हें झूठ क्यों बोला कि आपकी शादी हो गई है? क्या हुआ? वो मेरा बच्चा। रीड की हड्डी टचिंग स्टोरी भाई, मैं गाली नहीं देता लेकिन ये देख के मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली माया ओ निकल गया। इतनी जोर से हग मत कर भाई, वहीं पे डिलीवरी ना हो जाए। बच्चा भी पेट के अंदर से लात मार के बोलेगा ए ब्लड वाला छपरी बाप नहीं चाहिए मेरे को। भाई ये वैसे यार, इनकी ऐसी वीडियोस देख देख के जहर की सेल बढ़ गई है, प्लीज बंद करवाओ यार इनका ये सब। मैं मोदी साहब से गुजारिश। वकील साहब होंगे ना? हाँ अंदर ही है सर, चले जाइए। नमस्कार वकील साहब, ये जमीन के कागज लाया था, आपने कहा था ना सोमवार के दिन रजिस्ट्री करा दोगे। पागल है क्या बदतमीज? क्या हुआ पापा, पादा ही तो था मैंने। शर्म होती है पादने की भी, बड़े लोगों के घर में आए हुए हैं। तो बदतमीज बच्चा आपका, इसको मैनेज नहीं सिखाया आपने। वकील साहब माफ कर दो। क्या माफी मांग रहे हो पापा, अपनी क्या गलती है इसमें? इंसान पालेगा भी नहीं क्या? अनपढ़ लोग। अनपढ़ मैं नहीं, अनपढ़ आप हो।
और पापा आप भी पढ़े लिखे होकर अनपढ़ जैसी बात कर रहे हो। तो बदतमीज लड़का इतने बड़े वकील को अनपढ़ बोल रही है। आप तो पढ़े लिखे होकर भी गंवार हो, आपको इतना नहीं पता बाद रोकने से टॉयलेट रोकने से इंसान की मौत हो सकती है। वो तो क्या वो तो बाद में शर्म नहीं करना चाहिए अंकल, बहुत से लोग तो शर्म करते हैं पाद रोक लेते हैं और उनसे उनके बीमारी हो जाती है वो मर जाते हैं, ऐसे मेरे कितनों को मरते हुए देख लिया अंकल, इसलिए हमें पाद में कभी शर्म नहीं करना चाहिए। दिस इज द बेस्ट नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री ऑन। रुको भाई, बंदे ने एक एडवोकेट को पादने के टॉपिक पे से नीचा दिखा दिया। ओ भाई पाद, इमेजिन करो डॉक्टर की रिपोर्ट में मरने का कारण पाद रोकने की वजह से। एक बारिश की शक्ल देखो, ये खुद सुबह 10 बजे पैदा हुआ है और बोल रहा है मेरे कितनों को मरते हुए देख लिया अंकल। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, वो जितने भी मरे है ना सब इसी की पाद की बदबू सूंघ के मरे हैं। जब आप सुलभ शौचालय में काम करते हैं पाद पे भाषण दे रहे हैं, पाद में कभी शर्म नहीं करना चाहिए। अगली बार मैं भी जब पब्लिक में पाद मारूंगा ना यही सेम स्पीच दूंगा, आप जानते हैं पाद रोकने की वजह से लोग मर सकते हैं इसीलिए पाद ये लात पड़ेगी पिछवाड़े में, समझ गया ना। अच्छा हुआ इस लड़के को सिर्फ पाद ही आ रही थी, टट्टी आ रही होती तो ये वो भी नहीं रोकता। खैर वो तो इन्होंने ये वीडियो बना के वैसे भी हग दिया। मैं अपनी मड़ी इधर ही कहीं छुपा देती हूँ, घूम लेती हूँ। भाई जल्दी जल्दी करना। अरे भाई वहाँ पे देख कुछ चमक रहा है। अरे हाँ भाई चल के देखते हैं। वहाँ तो कुछ पड़ा भी नहीं था, क्या चमक रहा है? अरे भाई वो देख क्या है। अरे भाई ये तो नागमढ़ी है, इसे लेके चलते हैं। ठीक है भाई उठा के। सीधा उल्टा कैसे हो रहा है? VFX करे हैं, VFX डन बाय आदि पुरुष VFX टीम। पूछे क्यों तोड़ा? भाई इसको देखते हैं, इसे मार्केट में बेचेंगे तो हम लोगों को बहुत सारा पैसा मिलेगा। चल भाई बेचते हैं। अरे मैंने नागमढ़ी तो यहीं पर रखी थी, मेरी नागमढ़ी कहाँ गई? जिसने भी मेरी नागमढ़ी ली होगी वो जिंदा नहीं बचेगा। बच्ची दिख रही है रे। मैंने नागमढ़ी छुपाई थी, क्या छुपाई थी? वहीं पर रख के चली गई थी। इसको छुपाना बोलते हैं। अरे भाई वो सांप। नहीं नहीं क्या देख कटा हुआ है वो। नहीं नहीं अरे वो कहाँ भाग रहा है, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगी। वाओ क्या एक्टिंग कर रहे हैं। अरे मेरी जान तो बच गई। अरे नाग माता मुझे छोड़ दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। अरे नाग माता मुझे छोड़ दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। जिस जियो की 5G स्पीड इस्तेमाल करके तुम ये सब कारनामे कर रहे हो ना उसकी भी स्पीड ज्यादा तेज है जो मरा है। खत्म। गलती मेरी है एक्चुअली, मैं पता नहीं क्यों एंड तक पूरे इंटरेस्ट के साथ बैठा हुआ देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि अब क्या होगा आगे क्या होगा, जैसे मेरी कोई फेवरेट नेटफ्लिक्स सीरीज चल रही है। अरे क्या एक्सपेक्ट कर रहा था मैं यार, क्या होगा। दिन बन गया भाई मेरा, दिन बन गया। मैं भी जा रहा हूँ नागमणि चुराने, जो बीच सड़क में कहीं पर रख के चली गई होगी। ये सब बवासीर ना सबका सब जियो की गलती है। अंबानी जी तुम्हें फ्री का इंटरनेट देने के लिए किसने बोला था? मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। तेरे अलावा कोई भी बड़ी भाई नहीं है। चुप साली। आप तो बैठो तो और मैं प्रॉब्लम की दूंगी, आप कह दो तो सुनोगे क्या? नहीं अभी अभी सोचा है। मैं नहीं तो कौन? कोई भी, तेरे अलावा कोई भी। तो वैसे इसके ओरिजिनल ने कहा था मैं नहीं तो कान में, और ऊपर से ये कौवे वाली आवाज में मैं नहीं तो कान में, असली अकाउंट से आ रहे नया गक्कड़। इससे ज्यादा भी मैं बोलता लेकिन मेरे घर वालों ने बोला जमानत नहीं करवाएंगे। तो बोलना बोलती क्यों बंद हो गई यार, बोलना आगे बढ़ के। वो ओ माय गॉड, ओ अभी क्या VFX है। वाह वाह क्या VFX है। अभी तो नीचे गड्ढा था, आग लगी हुई थी, गड्ढा गायब हो गया। अरे भाई साहब हेलीकॉप्टर है क्या है? वाह वाह अयो आदि पुरुष VFX टीम। रुक जाओ भाई, भाई ये क्या चल रहा है? क्या मुझे चेंज करना पड़ेगा इसमें? चलो कंटिन्यू ही करते, मर मर के देख रहे। क्रेजी क्रेजी कर दिया रे। मैं ऑफलाइन ही ठीक था यार, गलती मेरी है। मैंने इंस्टाग्राम, मेरे को इंटरनेट डिलीट करना चाहिए। मैं जा रहा हूँ इंटरनेट डिलीट करने, नहीं जा सकता यार। वीडियो अभी 10 मिनट नहीं हुए ना। Always remember,
Your past is done. Okay. So forget it. Okay. And your future is yet to come. So dream it. Okay. And your present is now. Present is now. So live it with no regrets. Live it with no regrets. Oh, Sandeep Maheshwari ko bhi sikhane wale mil gaye hain hame guys. भाई ये तो वो हिप्पोटोटापस से अच्छा है, जिनको पता है उनको पता है भाई. Live it with no regrets because your present is now. And after watching this and understanding, trying to what I say, my English has become even better because now I have no English because my live it with no regrets. Hate you, people hate you, shake you, and at last they will break you. But how strong you are stand, the things will make you. मुझे दो तीन बार देखना पड़ेगा. And the things will make you. कौन सी things will make me? And what peoples will hates me? Yo Sandeep Maheshwari sir, I can't understand what you say because your motivations quotes are beyond the expectations of the understanding of the human mind, and it is giving me trouble because I don't trouble the trouble. If you trouble the trouble, the trouble troubles me. I'm not the trouble. Don't give up. Anytime. I will not give up. Because you are closer than you are think. I am closer than I am think, so I will not give up. And thank you so much for this motivational quotes. Because after I understand this, I have changed. Now I understand कि मैं इस धरती पे सिर्फ जनगणना बढ़ाने के लिए आया हूँ. मेरा और कोई किरदार है ही नहीं है. Thank you, sirs. मैं इंटरनेट के बिना ही ठीक था यार. मैंने ये ऐप इंस्टॉल करी क्यों? अरे मैं क्या बताऊं मैम. अबे साइकिल चुरा रहे मेरी. मैं साइकिल चुरा के क्या करूंगा, मैं तो अंधा और लंगड़ा हूँ. अरे सॉरी भाई साहब, लगता है आपको साइकिल का बहुत शौक है. शौक था यार. एक काम करो, तुम ना एक राउंड लगा लो. ठीक है. आके तो ठीक हो गई, अभी तो अंधा था. अरे भाई साहब गिर गया, एक्सीडेंट हो गया. हाँ तो अंधा गाड़ी चलाएगा तो ऐसे ही होगा ना. अरे भाई आपके साइकिल में तो जादू है. मेरा आग भी ठीक हो गया, मेरा पैर भी ठीक हो गया. थैंक यू भाई. अरे ये तो मेरा फर्ज है. ये तो मेरा फर्ज है. अरे भाई साहब एक्सीडेंट हो गया आपका. अरे भाई मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा और मेरे पैर को क्या हो गया है. मौका अच्छा है ये. वो शिफ्ट हो गया. अब ये गिर गया. क्या हुआ? अरे यार. अरे भाई साहब लगता है पीछे अंधा और लंगड़ा हो गया. क्या क्या है ये सोशल मीडिया. मैं सच बता रहा हूँ, मैं उल्लू का पट्टा हूँ, मेरे में कुछ तो दिक्कत है. मैं इतने इंटरेस्ट के साथ बैठे हुए देख रहा था कि आगे क्या होगा. मेरे में पक्का कुछ डिफेक्ट तो है. बेटर स्टोरी देन रेस 69. मैं फ्रस्ट्रेशन में, तुम लोग क्यों मुझे पसंद कर रहे हो यार? तुम लोग भी इंसान बन जाओगे 5 दिन के लिए, फिर तुम लोगों को पता चलेगा मैं कैसे जीता हूँ. बहुत थक गया. ओह कुत्ते इंसान बन गए भाई. वाओ क्रेजी. अरे साला इंसान बन के तो मजा ही आ गया. अरे इतना मस्त पत्ता लगा खाते हैं ये क्या कर रहे हो? अब तो इंसान हो गए. छोड़ो अब तो इंसान है ना, चलो कुछ अच्छा अच्छा खाते हैं. चलो भैया हम लोग 3 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने के लिए दे दीजिए. पैसे लाओ. पैसे क्या होता है? पैसे नहीं है यहाँ से निकलो. कौन है तुम लोग? भैया हम वही है जो आपने कुत्ते से हमें इंसान बना दिया. भैया हम लोग को पता चल गया है कि इंसान कितने फ्रस्ट्रेशन में जीते हैं. हम लोग तो कुत्ते हैं लेकिन कैसे भी चाट बाट के खा लेते हैं किसी का मांस. लेकिन इंसान कभी चाट के नहीं खा सकता क्योंकि उसकी बेइज्जती होती है. पता चल गया तुम लोग को इंसानों की हिंडल कैसी होती है. हाँ भैया ठीक है, तुम लोग को फिर से कुत्ता बना रहा हूँ लेकिन नेक्स्ट टाइम किसी को पसंद मत करना. भाई हम लोग कुत्ते ही सही है यार. ये वो इंसान है जिसको जब कुत्ते काटते हैं तो कुत्तों को 14 इंजेक्शन लगते हैं. ये वो इंसान है. ये क्या इंसान है? ये इंसान ही नहीं है. ये तो ट्रेन इंसान से भी गया गुजरा इंसान है. ठोकरा.
क्या देख लिया मैंने, ऐसा ऐसा चीजें बनाते कैसे है, ये कहां से ऐसे ऐसे आइडियाज लाते हैं। गाइस आई होप आप लोगों को ये कमाल की दिमाग का भरोसा कर देने वाली वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। कृपया कर इस वीडियो को लाइक करिएगा। मैं जा रहा हूँ सारी एप्स डिलीट करने, छुट्टी मनाने, अपनी जिंदगी में कुछ शांति ग्रहण करने, क्योंकि ये सब देखने के बाद कुछ दिनों के लिए तो मैं सदमे में रहने वाला हूँ। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो पे प्लीज लाइक करके इस वीडियो की रीच बढ़ाइए ताकि ये थोड़े से तो व्यूज बढ़े, पता नहीं यूट्यूब ने हमारी रीच थोड़ी सी डाउट करती है। अगली वीडियो में मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आ जाओ ये विंडो पे, ये निकाल दो, मैं भूल जाता हूँ भाई, मैं परेशान हो गया। इतना क्रिंज कंटेंट कैसे कैसे बना लेते हो, मेरी आँख से खून निकलने लगा। एक मुझे फनी लगा वो साइकिल वाले का, हाँ ठोक रहा है, गिर रहा है, इसकी क्या बोलते वो सब जो इसको था वो उसको गया, फिर उसको था वो इसको गया, फिर दोनों का आ गया, वो थोड़ा सा 1% थोड़ा सा फनी लगा बस, बाकी तो भाई पूरा वीडियो क्रिंज लगा मुझे। मतलब पूरा टिकटॉक बना ही दिया, इंस्टाग्राम रील्स को पूरा टिकटॉक बना ही दिया है, और लास्ट में कुत्ते वाला मुझे समझा ही नहीं भाई, पैसा नहीं है समझ गया, कुत्ता नहीं है कुत्ते के पास पैसा नहीं है तो वो समझ गया इंसान की लाइफ कितनी मुश्किल होती है भाई, और भी चीज़ें होती है पैसों के बगैर। अगर आप मानते हो तो कमेंट करो, यस करो कमेंट, नहीं मानते हो तो वो भी नो करो कमेंट, और रीज़न बताओ उसके साथ, ठीक है। तो चलो भाई, ये वीडियो के बाद शायद ही मैं चैन की नींद सो जाऊंगा, फिर भी प्लीज़।